Assalamu alaikum, dear viewers. So today a very important topic which I am going to discuss. In fact, this topic is very much important from board point of view as well as from entrance point of view. The topic is pressure exerted by an ideal gas. तो बेटा कैसे हम एक आइडियल गैस में ये देखेंगे, सपोज यू हैव द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, सपोज वी हैव दिस क्यूबिकल बॉक्स एंड इनसाइड दिस क्यूबिकल बॉक्स यू हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब मैं ये देखना चाहता हूं बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है आइडियल गैस मैंने अज्यूम किया, तो ये मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर इस इन वॉल्स ऑफ कंटेनर्स पे डालेंगे। सो हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द होल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और उसी के लिए मैं यहां पे डेराइवेशन निकालना चाहता हूं। अगर आपने इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस पेपर्स ऑफ बोर्ड, सो आप वहां देखोगे क्वेश्चन एक आया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, दैट वॉज बेस्ड ऑन द डेराइवेशन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें है, तो इसलिए अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी जगह समझ ना आए देन आप फिर से उसको रिस्टार्ट करो और फिर से वॉच करो। सो लिसन, यू हैव द क्यूबिकल बॉक्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड यू हैव इट, दिस क्यूबिकल बॉक्स contains n number of molecules of gas, but the gas is ideal one, so it will follow all the assumptions of kinetic theory of gases. अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, हम यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल को स्टडी करने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एक को ही क्यों, सबको क्यों नहीं? बिकॉज यू नो अगर आपने kinetic theory of gases के assumptions पढ़े हो, उसमें मैंने यह बताया था these gas molecules are all similar, they are perfectly hard and rigid spheres, so that means agar aapne a gas molecule ko study kiya as if you have studied the whole gas, so isliye maine kya kiya beta, I want to study the one of the gas molecule, so that means main dekhunga a gas molecule ki wajah se kitna force exert hoga on the wall of कंटेनर। तो बेटा आप क्या करोगे, मैंने यहां पे गैस मॉलिक्यूल को लिया, लेट वी नेम इट एज वन, और हमने देखा दैट दिस गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, दिस गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन ए स्पेस एट सर्टेन एंगल। सो ये आपको पता है जब कोई वेक्टर स्पेस में होता है, पहली बार जब कोई वेक्टर प्लेन में होगा then you can resolve it along two rectangular components and those components also lie in the same plane, isko kehte hain planar rectangular resolution ya rectangular resolution in a plane, it is also known as two dimensional rectangular resolution, but jab ek vector space mein hota hai beta, jahan jaise yahan par humne u1 vector liya hai, it is in a space, space means it lies in three dimensions, now hame kya karna hai iske jo components hoge rectangular resolution agar lagaoge to beta iske teen components aayenge, aur wo teen components kahan kahan se aayenge, ek component beta along x axis hoga, let I name it as u1 x vector, so this u1 x vector is what, it is the velocity component of first gas molecule 1 or it is a velocity component of gas molecule 1 along x axis. Acha beta uske baad iska ek aur component, what is that, u1 y vector, what is this, this is the component of velocity of gas molecule 1 along which axis, y axis, और कहां से आप इसको रिजोल्व करोगे बेटा, अलोंग जेड, तो वहां से इस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा, u1z वेक्टर। तो मैं एक फिर से सुनो, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट,
मैं एक गैस मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहा हूं और उस एक गैस मॉलिक्यूल पे मैंने ये देखा बेटा कि जब आप उसको रिजोल्व कर रहे हो इन स्पेस, तो आपने क्या देखा, उसके तीन कंपोनेंट्स बन गए स्पेस में. वन इज अलोंग एक्स, अनदर इज वन अलोंग वाई, एंड थर्ड वन इज अलोंग जेड. सो ऑब्वियसली इट कैन स्ट्राइक अलोंग एक्स, इट कैन स्ट्राइक अलोंग वाई, एंड इट कैन स्ट्राइक अलोंग जेड. अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फिलहाल मैं देखूंगा कि जब ये स्ट्राइक करेगा अलोंग एक्स, हाउ मच विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन दिस डायरेक्शन. तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मेरी बात सुनो. मैं देख रहा हूं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये यहां से ऐसे जा रहा है. नाउ टेल मी, मान लो गैस मॉलिक्यूल ने अपनी जर्नी शुरू की फ्रॉम वॉल ए, देन इट गोज टुवर्ड्स बी, देन इट रिटर्न्स बैक टुवर्ड्स ए. ऐसे बेटा मैं दिखाना चाहता हूं. सो इस वॉल, ये जो क्यूब है, ए बी प्ले ए बी स्पेस, इसके भी तीन डायमेंशंस हैं. तो फिलहाल मैं देखूंगा हाउ मच प्रेशर दीज गैस मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट ऑन एक्स डायरेक्शन ऑफ द वॉल्स. लाइक ये मान लो ये कमरा है, इसके एक तो ये वॉल्स हैं और ऊपर वाले और ऐसे साइड वाले. तो फिलहाल मैं देखना चाहता हूं ये गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर डालेगी अलोंग दिस वॉल, ऑन दिस वॉल, एंड ऑन दिस वॉल, ऑन माई राइट ऑफ द वॉल, जो राइट ऑफ द साइड जो वॉल है, एंड ऑन माई लेफ्ट साइड, जो यहां से भी वॉल है और यहां से भी वॉल है, मैं देखना चाहता हूं उन पे ये कितना प्रेशर डालेगा. तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, आई विल सी कि जब ये गैस मॉलिक्यूल बेटा इस वॉल को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा. कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. नाउ जब ये इसको स्ट्राइक करेगा देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम. तो फिलहाल मैं क्या देखूंगा, पहला गैस मॉलिक्यूल डेल्टा पी वन एक्स. सो आई वॉन्ट टू नो कि पहले गैस मॉलिक्यूल में कितनी मोमेंटम चेंज आएगी व्हेन इट स्ट्राइक्स द वॉल. तो क्या लिखेगी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस. चेंज फाइनल माइनस इनिशियल. तो मैं क्या देखूंगा, मेरी बात सुनो, जो ये कंपोनेंट आ गए ना इस गैस मॉलिक्यूल के अलोंग एक्स, आई विल सी व्हेन दिस कंपोनेंट विल स्ट्राइक द वॉल देन विल रिटर्न बैक हाउ मच विल बी द चेंज इन मोमेंटम. तो क्या करोगे बोलो बेटा, जब ये वापस आ रहा है, मेरी बात सुनो, पहले मॉलिक्यूल यहां से गया देन इट रिटर्न्स बैक. सो व्हेन इट रिटर्न्स बैक टेक दिस एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड हेंस दिस वन विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम यू नो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट यू नो ये जो कोलिजन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हेन दिस गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. और आप याद रखोगे परफेक्टली इलास्टिक में ना मोमेंटम में लॉस होती है ना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होती है. और एक बात, ड्यूरिंग दिस कोलिजन जब ये वॉल को हिट करेगा, मान लो इसने हिट किया वॉल को विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड. सो दैट मींस इसका फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम, शाबाश, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल सब सिमिलर है तो सब गैस मॉलिक्यूल का मास सेम, एम, शाबाश. और क्या लिखेंगे, यू, फाइनल लिखना है यू वन एक्स, बिकॉज स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा है. बट आई विल पुट द साइन हियर नेगेटिव. क्यों, क्योंकि जब ये वापस आ रहा है दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. माइनस व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल और स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, दिस वन, आफ्टर कोलिजन सेम. तो मैंने क्या किया, फिर से सुनो, गैस मॉलिक्यूल यहां से अप्रोच कर रहा था, देन इट रिफ्लेक्ट इज बैक, चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आएगा नेगेटिव माइनस इनिशियल पॉजिटिव. सो हाउ मच इज दिस, माइनस ट्वाइस एम यू वन एक्स. सो बेटा दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन. सो गैस मॉलिक्यूल एक वॉल से दूसरे वॉल तक गया, वहां कोलाइड किया, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दो टोटल चेंज इन मोमेंटम है गैस मॉलिक्यूल में, वो है माइनस टू एम यू वन एक्स. लेकिन ये जो चेंज आ गई इसका मतलब क्या हुआ, इस गैस मॉलिक्यूल ने मोमेंटम जो है दैट इज इंपार्टेड टू द वॉल. सो अगर गैस मॉलिक्यूल में मोमेंटम चेंज नेगेटिव आ रही है तो वॉल पे कितनी मोमेंटम चेंज आई होगी, सेम बट पॉजिटिव.
Is that clear? So that means, therefore, momentum imparted to the wall कितना होगा बेटा? That will be delta P से ही दिखाएंगे वो भी. We will write it as it is delta P1x. Delta P1x. It will be equal to twice mu1x. I repeat this point. Change in momentum. Final momentum minus initial. Final momentum, since the body is coming back, it is negative direction. I will take it as minus P. This one will be positive P. So क्या आएगा यहाँ पे बेटा? So it will be minus P, that is minus 2P. तो आ गया. So this is the change in momentum of gas molecule. लेकिन momentum जो change आ गई, तो वो तो impart हुआ होगा wall को. तो wall को कितना momentum impart हुआ है? इसका positive. Is that clear? So if the change in momentum of a striking ball is minus 2P, how much is the change in momentum of the wall? Or how much is the momentum imparted to the wall? Since the momentum, ये जो wall है, it remains in the state of rest. लेकिन wall में कितना momentum impart हुआ? Plus 2mu1x. So this is the momentum imparted to the wall by gas molecule 1 on this face, along x-axis. चलो बताओ. Now tell me, जब मॉलिक्यूल ए से बी गया, देन इट रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए. यू नो लेंथ हम मान लेंगे इसकी एल, ठीक है बेटा. तो बताओ टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल तो गो फ्रॉम A to B and then return back to A. इसके बराबर आएगा. यस सर. तो क्या करेगी बेटा यहां पे? सो इट विल बी लाइक दिस. टाइम टेकन, देखो बेटा ये कहां पे था पहले गैस मॉलिक्यूल ए पे, फिर कहां गया बी पे. देन इट रिटर्न्स बैक आफ्टर कोलिजन फ्रॉम बी टू ए. हाउ मच टाइम इट विल टेक? टाइम यू नो इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड. हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए? बोलो बेटा 2L डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दैट डायरेक्शन? इट वाज u1x. इज दैट क्लियर? सो बताओ बेटा कितना टाइम लग गया इसको ए से बी जाने में एंड देन फ्रॉम बी टू ए? इट इज 2L बाय u1x. नाउ आप मुझे बताओ, जब ये गैस मॉलिक्यूल इस वॉल को स्ट्राइक कर रहा है तो इसने इंपार्ट किया ना मोमेंटम टू द वॉल. नाउ टेल मी हाउ मच इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ड्यू टू दिस गैस मॉलिक्यूल? वो कैसे आप निकालोगे? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, यू विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ. अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन्स सेकेंड लॉ की एक स्टेटमेंट है बेटा, वो ये है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम और ए मोमेंटम इंपोर्टेड टू द वॉल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. समझ आ रहा है? सो हम ये देखेंगे बेटा कि कितना मोमेंटम इसने वॉल की ओर इंपार्ट किया पर यूनिट टाइम. तो बताओ मोमेंटम कितना इंपॉर्ट हुआ है टू द वॉल? इट इज ट्वाइस एम यू वन एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम टेकन? इट इज 2L डिवाइडेड बाय यू वन एक्स.